पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग मैदानों से भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने अपनी गाड़ियां गोला बारूद वापस लाना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों की वापसी शुक्रवार से शुरू हुई। सैनिक वहां तैनात थे जहां भारत चीन के बीच 2020 से टकराव के हालात बने हुए थे। भारत और चीन ने 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है, इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी। इंडिया एंड चाइना हैव बीन इन्वॉल्व इन टॉक्स बोथ एट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल्स to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. And I think there is no better place to highlight this power of dialogue than this platform of Chanakya Defense Dialogue.